वेलकम बैक टू माई चैनल, दिस इज दिव्या गुप्ता। सो अभी आए हुए हैं हम आर्ट ऑफ लिविंग के टूर पर। तो आज है 26 जनवरी, तो मैं आप सभी को हैप्पी रिपब्लिक डे बोलना चाहूँगी। एंड आज हम लोग यहाँ पे टूर पे आए हुए हैं, तो सबसे पहले हम लोग गौशाला का टूर करने वाले हैं। ये सब बोल रहे थे कि मतलब गौशाला आना इतना ईजी नहीं होता, जल्दी परमिशन नहीं मिलता, बट ये हमारे लिए ब्लेसिंग है कि हमें आज हम फर्स्ट टाइम आए हुए हैं। बहुत ही ज़्यादा मन था गुरुदेव से मिलने का, यहाँ आश्रम आने का, और हम लोग फर्स्ट टाइम है और गौशाला जाने का हमें मिल रहा है ब्लेसिंग, तो बहुत अच्छा लग रहा है। तो आप देख सकते हैं यहाँ बहुत सारी गाय, जो गाय यहाँ पे दिख रही है ये घोर गाय कहलाती हैं, और ये बहुत ही पुरानी है, कृष्ण भगवान के टाइम के हिस्से ही है यहाँ पे। तो मैं आपको पूरा यहाँ पे गौशाला का टूर करवाती हूँ। प्यारी प्यारी गाय है, और मैंने कभी भी टच नहीं किया है गाय को, मुझे मैं करना चाह रही, बट बड़ा डर लग रहा है, बट स्टिल आई ट्राई, क्योंकि बहुत पीसफुल लगता है इन लोगों के साथ जब आप यहाँ पे आते हो। आते ही हम लोग मन में यहाँ पे बहुत ही पीसफुल लगता है। मुझे टच करना है यार, कैसे करूँ यार। तो शिखा ने तो टच कर लिया है, लेकिन अभी मेरा बाकी है, पता नहीं मैं कर पाऊंगी कि नहीं। शिखा हाँ। ये आपकी इन्फ्लुएंसर है जो डरी ही जा रही है। तुम ही करवाओ, हम वीडियो के साथ कैसे कराएं? अरे तो तुम हाथ एकदम ऐसे कर लोगे, हम कैसे टच कराएंगे तुम्हें? रुको, इसके साथ नहीं होगा वीडियो के साथ। चलो अब नहीं करूंगी, मैं देखूंगी ही नहीं। हाँ मेरा हाथ है। अरे यार फाइनली गिर गए।
दिव्या सब उधर गए हैं, चलो। साथ में ही हूँ मैं तुम्हें बुला। गुरुवे नमः तस्मै श्री गुरुवे नमः तस्मै श्री गुरुवे नमः। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे हे नाथ हमने अभी सत्संग भी अटेंड किया और आज हेमा मालिनी जी भी आई हुई थी, तो मतलब बहुत ही अच्छा लगा। वैसे जनरली ऐसा होता नहीं है कि गुरुदेव अवेलेबल हो, बट ये हमारा लक था। इतना ज़्यादा हम लोग मिलना चाह रहे थे उनसे कि वो आज थे, और मतलब बहुत ही ज़्यादा अच्छा लगा। तो अभी हमने प्रसाद ले लिया है और बाकी अब हम लोग वापस जा रहे हैं, एंड बहुत ज़्यादा अच्छा लगा। होपफुली आप लोगों को भी बहुत अच्छा लगा होगा। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, बाय।